हेलो फ्रेंड्स, हेलो लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में एक और मैगजीन्स के बारे में, जिसका नाम है एक्सप्रेसो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसियो अल्टरेस। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इसके मीनिंग को, कहाँ ये अप्लाई होता है, केस लॉ देखेंगे, साथ के साथ इस मैगजीन्स को और किस किस नाम से जाना जाता है ये भी जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं एक्सप्रेसो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसियो अल्टरेस को हिंदी में क्या कहते हैं। तो भाई ये एक लैटिन फ्रेज है और इसको हिंदी में कहते हैं एक वस्तु का स्पष्ट उल्लेख दूसरे का अपवर्जन है। इट मींस कि जहां पे एक वस्तु या एक स्पेसिफिक वर्ड लिख दिया है, उल्लेख कर दिया है, तो दूसरी जो चीज होंगी, अदर चीज जो होंगी, वो अपवर्जन होंगी। इसको याद रखने की एक और सिंपल सी टेक्निक है, एक्सप्रेसो यूनियस को याद करो कि भाई जो एक्सप्रेस है, जो यूनिटी में है, ईस्ट एक्सक्लूसो अल्टर, और जो नहीं है उसको अल्टर कर दो, हटा दो, ठीक है, उसको नहीं मानेंगे। ये इसका एक छोटा सा रूल बना लो याद करने के लिए। अब बात करते हैं इसके मीनिंग की। तो एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब ये होता है कि एक्सप्रेस मेंशन वन थिंग एक्सक्लूड ऑल अदर, यानी कि जो एक स्पेसिफिक थिंग मेंशन है या वर्ड मेंशन है उसको तो मानेंगे और जो नहीं है उसको एक्सक्लूड कर देंगे। दूसरी बात ये कि जब कोई ऐसी चीज जो एक्सप्रेसली मेंशन है किसी स्टेट्यूट में, किसी एक्ट में, तो या प्रिजम कर दिया, प्रिजम्पशन है, तो उस कंडीशन में जो स्टेट्यूट पे अगर मेंशन जो चीज़ है उसको तो मानेंगे, लेकिन प्रिजम्पशन के बेस पे चीज़ नहीं मानेंगे, ये कहते हैं। अब बात करते हैं इसके एक्सेप्शन की। बट एक्सेप्शन से पहले एक और चीज़, इसमें जो स्पेसिफाई वर्ड हैं उन्हें मानना है, जो जर्नल है या जिसे प्रिजम्पशन करना है वो नहीं मानना। एन एग्जांपल, जैसे हमने इससे पहले की उसमें बात करी थी इजस डैम जेनरिस की, तो ये उसका एक्सेप्शन आपको देखने के लिए लग सकता है। दूसरी बात, लग सकता नहीं, एक्चुअली है भी। वैसे एक्सेप्शन की अगर बात करें कि इस रूल की एक्सेप्शन क्या है, तो ये रूल वहाँ पे अप्लाई नहीं होता जहाँ पे जैसे कुछ वर्ड दे दिया जाता है कोई स्टेट्यूट में कि रेल, बस, ठीक है, ट्रेन एक्सेट्रा, तो वहाँ पे क्या है, लैंड वाली ट्रांसपोर्ट की बात कर दी गई। तो जो एक्सेट्रा है ना, इसमें अलग से नहीं है। अगर रेल बस की बात की गई तो सिर्फ रेल बस की ही बात की गई है। जैसे सेव टाइगर का लिए कहा जाता है, तो सिर्फ टाइगर को सेव करने की बात की गई है। हालांकि अदर जंगली जानवर को भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक टाइगर मेंशन हो गया, उस तरीके से समझो। तो ये जहां पे जनरल वर्ड लिखा है या जहां पे एक्सेट्रा, अदर्स या मोर लिखा होता है, वहां पे ये अप्लाई नहीं होते, एक्सक्लूड कर दिया जाता है उन चीज़ों को, और मेंशन कर दिया जाता है उन चीज़ों, जो चीज़ें मेंशन हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही माना जाता है, अदर चीज़ों को नहीं। व्हेन इट्स अप्लाई, तो मेंशन है, ये मैगजीन वहाँ पे अप्लाई होती है जब कोई स्पेसिफिक वर्ड मेंशन है, वहाँ तो अप्लाई होगी। बाकी जगह स्टेट्यूट में अगर कोई स्पेसिफिक वर्ड मेंशन कर दिया गया है तो उसे तो मानेंगे, लेकिन अपने प्रजम्पशन से कोर्ट या प्रज्यूम कर ले या केस के अकॉर्डिंग तो वो नहीं कर सकती। तो सीधा सीधा ये इजस डैम जेनरिस का एक्सेप्शन है। केस की बात करते हैं, तीन केस देखेंगे। पहला केस है क्रॉफर्ड वर्सेस हेस्टिंग 1859। इस केस में ये हुआ था कि जज की जो सैलरी थी वो रोक ली थी, और ये कहा गया था कि हमने जो है नया ऑफिसर, जो नया कंट्रोलर इस स्टेट का आया है, और जब तक वो काउंटर साइन नहीं करता आप लोगों की सैलरी रोक दी जाएगी। तो इस केस में ये वाला मैक्सिम्स यूज हुआ था, और ये बात कही गई थी कि भाई जो एक पॉजिटिव डेलीगेशन पावर है उस ऑफिसर की, वो तो बाद में होगी, बट ये यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है। एन एग्जांपल, जैसे अगर किसी डीसीपी को या डीसीपी को अगर कोई पावर है, तो अदर जो पर्सन होंगे या अदर जो ऑफिसर होंगे वहाँ पे उनकी जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक स्पेसिफिक मेंशन कर दिया गया। उसी तरीके से जो काउंटर साइन होने हैं कंट्रोलर के, जो नया ऑफिसर आया है उसका जरूरी नहीं है। तो इस केस में ये मैगजीन्स यूज करके जो जज की रुके हुए थे, क्या कहते हैं, आपका सैलरी रुकी हुई थी, वो मिल गई थी। और एक और चीज, वेन एवर समथिंग इज एडेड इन द स्टैट्यूट इट इज एडेड विद द ड्यू कॉन्शियसनेस। और ये माना जाता है कि अगर लेजिस्लेशन ने कोई भी चीज स्टैट्यूट में एड की है तो ड्यू टू कॉन्शियसनेस किया, और अगर नहीं किया तो उसके पीछे कभी कोई रीजन होगा। तो अगर की है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो अमेंडमेंट के थ्रू उसको किया जा सकता है। दूसरा केस है आरबी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर होम डिपार्टमेंट, इसमें यह हुआ था कि एक्सक्लूड द फादर ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड। इसमें यह हुआ था
कि यहाँ पे स्पेसिफाई मेंशन है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है उस फादर को कि उसकी जो कस्टडी है वो इललेजिटिमेट चाइल्ड के लिए नहीं जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचा, उसको नहीं जाएगी तो फिर मदर को जाएगी। लेकिन ये मेंशन हो गया, एक्सक्लूड कर दिया, तो इस वर्ड को देखा जाएगा कि क्या चीज एक्सक्लूड कर दी गई है, तो ये मेंशन हो गया। तीसरा एक केस है आरवी इन एविडेंस ऑफ सैडली, इस केस में ये हुआ था कि एक स्टेट्यूट था जिसमें कि ये बात कर दी गई थी टैक्सेस लगेंगे लैंड पे, हाउस पे और कोल माइंस पे, तो कोर्ट ने इस केस में ये बात कही थी कि जो लाइमस्टोन माइंस होते हैं उन पर जो है टैक्स नहीं लगेगा। द रीजन इज कि वो मेंशन है ही नहीं स्टेट्यूट में, तो जो चीज स्पेसिफाइड नहीं है या मेंशन नहीं है तो वो नहीं मानी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। दूसरा इसको याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी है एक्सप्रेसो यूनियन एस्ट एक्सक्लूजो की, कि भाई जो एक्सप्रेस है यूनियन उसकी यूनियन होगी उसको माना जाएगा, और जो बाकी है एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ऑल्टर कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, इसको नहीं माना जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच।